फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस ये मैं मैच अपना सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूं। तो गाइस ये मेरे लिए बहुत ही तबाही वाला गेम प्ले है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम नहीं खेला, और खेला भी है तो इतने किल नहीं करें जितने किल इस मैच में निकाले मैंने। इसमें गाइस मैंने 17 किल करे हैं, और 17 किल के साथ मैंने चिकन डिनर करा है। तो गाइस ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा गेम है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और गाइस यहाँ पे मैं जॉर्ज पुल उतरा हूँ, जॉर्ज पुल में देखना गाइस मुझे काफ़ी देर तक गन नहीं मिलती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बहुत देर तक गन के लिए भटकता हूँ, फिर मैं वीडियो स्किप करके यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक शॉटगन मिल जाती है, फिर उसके बाद मुझे स्कारल मिलती है। अब मैं जल्दी से स्कारल उठाता हूँ, और सामने मुझे बैरल दिख जाती है, तो ये बैरल भी उठाएंगे। और बैरल उठाते ही मुझे सामने कंटेनर पर एक बंदा दिख जाता, तो जाएंगे अपन सीधा उसके पास रश मारने। अब मैं जैसे इसके थोड़ा डैमेज करता हूँ तो ये नीचे उतर जाता है बंदा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस बंदे को स्पॉन करने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ या तो ये मेरे पास आए या मैं इसके पास जाऊँ, तो मैं मुझे यहाँ से मौका देखता हूँ। तो ये बंदा बहुत देर तक नहीं आता है, तो मुझे यहाँ पर क्या करता हूँ, वेयर हाउस की तरफ जाने लगता हूँ। अब वेयर हाउस की तरफ जाकर मैं सीधा फ्लाइंग करता हूँ। अब मैं पूरा यहाँ से रोटेट करके जाऊँगा उसके पास, क्योंकि ये बंदा अकेला नहीं था, इसके साथ इसके टीम मेट्स भी थे, इसलिए मैं थोड़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, घूम के जाता हूँ। और मैं यहाँ से थोड़ा आजू बाजू देखता हूँ कहीं बंदा कोई पीछे से ना मुझे भर दे, क्योंकि मैं यहाँ पे सोलो था इसलिए। और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था इसलिए। अब देखिए गाइस वो मुझे ऊपर दिख जाता है बंदा, वो मुझे उस तरफ देख रहा था और मैं इधर से फ्लाइंग करके आता हूँ। उसको पता नहीं होता कि मैं पूरा फ्लाइंग करके आ गया हूँ, और वो ऊपर चढ़ जाता है, वो अंदर घुस जाता है। तभी मैं सोचता हूँ उसे मारने की, जब देखो आप। अब जितना डैमेज इसने मुझे दिया उतना ही डैमेज मैं इसको देता हूँ। अब इसको लगा कि मैं अंदर चला गया। अब उसके बाद मैं यहाँ फटाफट से हील करता हूँ। हील करने के बाद सामने टावर पे बंदा था जो काफ़ी गंदा डैमेज दे रहा था, और हालांकि उसका टीममेट आ गया था। उसका टीममेट वहाँ पर कवर में भाग जाता है, उसको कवर में बुलाता है मेरे जिसको मैंने नॉक करा है। अब मैं उसको देख ही रहा था, और वो रेंगता रेंगता जाता भी है। और तभी मैं इसे यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरे बंदे का इंतजार कर रहा था, तभी मुझ पर टावर वाले का बहुत गंदा फायर आता है। और मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर खड़े रहना सही नहीं है, क्योंकि टावर वाला मुझे कभी भी मार सकता है, क्योंकि उसके पास एडवांटेज बहुत अच्छा है। अब इसलिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर घूम के रोटेट करके जाता हूँ, और तभी मुझे दो बंदों के साउंड आने लगते हैं। अब साउंड आते मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, हर ये कंटेनर पर चेक करता हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं दिखता, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, रश मारने चला जाता हूँ। अब इसको इजीली मार देता हूँ। अब इसकी पेटी लूटता हूँ, तभी मुझे एक दूसरे बंदे के भी फुट्स आते हैं जो कि मेरी तरफ आ रहा है। अब इसे इजीली मार दिया। अब देखो गाइस ये तो टीम हो गई ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पेटी आटी लूटता हूँ। अब पेटी आटी लूटने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, तो तभी मुझे एक बंदे के और फुर्स आने लगते हैं। अब फुर्स आते मैं सीधे जाता हूँ उस बंदे के पास। अब ये तो था बोट, अब इसे इजली मार दिया। अब मैं इसकी पेटी लूट रहा था, तभी एक रियल बंदा आता है जो टावर वाला बंदा था जो डैमेज देख रहा। ओ भाई क्या ही उसने मेरे को इतना गंदा डैमेज दिया, यहाँ पे मैं मरते मरते बचा 1 HP। अगर मैं यहाँ पे प्राउन नहीं होता तो वो गाइस मुझे पूरा ही चपेट लेता। देखिए कितना गंदा डैमेज दिया। अब मैं उसकी फटाफट यहाँ पेटी लूटता हूँ, पेटी लूटते बस हेल्थ की टूटा था, सीधा कवर में आके हेल्थ लगाता हूँ। अब हेल्थ लगाने के बाद मैं यहाँ पे पूरा जोर जोर पुल चेक करता हूँ, मुझे कोई बंदा नहीं दिखता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ एक फ्लेयर की तरफ। अब यहाँ पर कुछ बंदों ने फ्लेयर मंगाई थी, तो मैं उस तरफ निकल लेता हूँ। और फ्लेयर गाइस इन्होंने ओपन में मंगाई थी, पहले मुझे लगा इनको इन्होंने यहाँ पे घरों के पास में फ्लेयर मंगाई है, तो मैं अब घरों पर आ जाता हूँ तो फ्लेयर मुझे काफ़ी दूर दिखती है। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी अपनी यहीं पे रोक देता हूँ। गाड़ी रोक के मैं पैदल जाने लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही दूरी पे गाड़ी रख दी है, तो मैं वापस गाड़ी लेने आता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, गाड़ी सही है अपनी, क्योंकि अगर उन्होंने गाड़ी फोड़ दी या गाड़ी मेरे गाड़ी के साथ सीन हो गया, गाड़ी से क्या उनको लोकेशन हमारी मालूम पड़ जाती, इसलिए मैं क्या करता हूँ, गाड़ी छोड़ जाता हूँ और पैदल ही जाता हूँ। और पैदल मैं फटाफट से गन हटा के पीछे रख के भागता हूँ, क्योंकि वो बंदे अभी ड्रॉप लूटने में एडजस्ट होंगे।
अब मैं बिल्कुल ड्रॉप के पास थोड़ा आ ही चुका था। अब मुझे जब भी दो बंदे दिखते भी हैं, अभी इसको बंदे को बहुत डैमेज दिया मैंने, और दूसरी बार भी नॉक भी कर देता हूँ। और इसका दूसरा टीममेट यहाँ पे मेरे पास में है, ये डब्बे के पास में, अब इसे भी इजीली नॉक कर देता हूँ। और एक सामने मुझे एक और बोर्ड दिखता है जिसे मैं इजीली मार देता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ मैं इनके पास रश मारने, इनको क्लियर करने, क्योंकि ये दोनों बंदे नॉक हुए थे, मुझे डरता है इनका टीममेट का। पेटी लूटने के बाद मैं जाता हूँ दूसरे बंदे को जिसको मैंने नॉक करा था, उसकी पेटी लूटने जाता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे चेक भी कर रहा था कहीं उसका टीममेट ना हो यहाँ पे आसपास, कहीं कैंप करके बैठा हो या लेटा हो मुझे मार दे, इसलिए मैं चारों तरफ देखता हुआ जा रहा था। अब मैं आया था इनकी पेटी लूटने इसलिए कि ताकि मुझे ड्रॉप वाली गन वगैरह मिल जाए, या है लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट वगैरह अगर कुछ मिलता है तो मुझे मिल जाए, परेशान नहीं होता है। ऊपर से कितना गंदा फायर दिया था मुझे, मैं अगर यहाँ पे जंपिंग प्राउंड नहीं होता तो ये मुझे मार ही देता पूरा। और उसके बाद मैं इसको मारने के बाद यहाँ से निकल लेता हूँ, कि यहाँ पे काफ़ी देर में रुकता हूँ, पर यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिलता। उसके बाद मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और निकलने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे काफ़ी देर से यहाँ पे दो बंदों के गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आने के बाद जैसे मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो मुझे सामने ही बंदे के फुर्स आते हैं, अब यहाँ जाता हूँ तो मुझे बंदा दिख भी जाता है जिसे मैं हल्का सा डैमेज करता हूँ, उसके बाद पूरा फिनिश कर देता हूँ। अभी अकेला ही बंदा बचा था, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं मिलता है। और उसके बाद हम इसे मार के, इसे लूट के बस सीधा डायरेक्ट गाड़ी उठाएंगे और निकल लेंगे दूसरी जगह। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं आता हूँ सीधा जोड़ती पुल के जो पास वाला ब्रिज है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लेयर चली थी, और फ्लेयर चलने के साथ साथ यहाँ पे भी गन के मुझे साउंड आ, मुझे ड्रॉप दूर से दिख गया था और गाड़ी भी दिख गई थी, और गाड़ी के साथ साथ बंदे भी दिख गए थे, इसलिए मैं क्या करता हूँ अपनी गाड़ी पहले रोक देता हूँ ताकि बंदे मुझ पर फोकस नहीं डाल पाएँ। अब एक बंदे को तो नॉक कर दिया मैंने, अब दूसरा बंदा भी उसी के पास मुझे दिख जाता है। अब दूसरे बंदे को मैंने बहुत डैमेज कर दिया था। अब ये तो थे दो बंदे, अब इनके क्या है, लेफ्ट में जो घर है वहाँ पे भी एक बंदा है, वो उनको वहाँ से फायर कर रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे कवर किस साइड का लें। अगर ये इस साइड का कवर लेते हैं तो इस साइड से मैं डैमेज दे रहा था, उस साइड से वो बंदा डैमेज दे रहा था जो आपको लाल वाले घर में दिख रहा है। आपको सॉरी बंदा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको घर जो दिख रहा है। अब वो बंदा मुझे भी थोड़ा डैमेज देता है यहाँ पे। अब उसके बाद मैं कवर बाई कवर उसके पास जाने की सोचता हूँ। अब यहाँ पे मैं आके हील करता हूँ थोड़ा, हील करने के बाद फिर मैं कवर बाई कवर पेड़ का सहारा लेके आगे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा सा एंगल लेता हूँ, मैं सोचता हूँ बंदा झाके पीक वीक के ले, लेकिन बंदा ऐसा नहीं करता, उल्टा नेट फेंकने लगता है, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ खड़ा रहना बेकार है। अगर उसका परफेक्ट नेट आ गया तो मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा, तो मैं सीधा क्या रश मार देता हूँ। और मुझे ये भी मालूम पड़ गया था ये बंदा अकेला है, इसलिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मोली वोली फेंकता हूँ ताकि थोड़ा बंदा पैनिक हो, और पैनिक तो वो ऑलरेडी हो चुका था, उस वीडियो में नेट करने लग गया था। अब मैंने उसके रास्ते ब्लॉक कर दिए जो वहाँ पे वो कैंप कर सके, वो ओपन में था इसलिए मैं वहाँ पे रश मार देता हूँ। अब देखिए, अब मैंने इसको इजीली मार दिया क्योंकि मैंने इसके रास्ते दोनों ब्लॉक कर दिए थे जहाँ पे ये छुप सकता था। अब इसकी पेटी लूटने के बाद हम सीधा आ जाते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे एक डासिया दिखती है जो कि मेरी जैसी स्किन की थी, तो मैं समझ जाता हूँ वहाँ पे एक बंदा है, तो मैं यहाँ पे डासिया अपनी रोक लेता हूँ, और रोकने के बाद वहाँ चेक करता हूँ। अब मुझे यहाँ तो बंदा नहीं दिखता, तो जब भी मैं ऊपर देखता हूँ तो ऊपर मुझे एक बंदा दिख जाता है, उसमें मैं स्प्रे भी मारता हूँ, और तभी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है क्योंकि मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम 30 सेकंड का पूरा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैं उस बंदे को इजीली मार देता हूँ। और उसके मारने के बाद मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखता है, अब इसलिए मैं क्या करता हूँ गाड़ी उठा के सीधा जोन के अंदर जाने लगता हूँ। और जोन के अंदर एक ही घर था जिस घर में अभी मैंने एक बंदे को मारा था, तो मैं वापस उसी घर में जाता हूँ और थोड़ी देर वेट करूँगा सर्कल छोटा होने का। अब यहाँ आने के बाद मैं सीधा घर में आ जाता हूँ, घर में आने के बाद अब बस वेट करेंगे थोड़ा सर्कल छोटा हो ताकि बंदे भी दिखें। अब यहाँ पे 4 अलाइव थे,
तो मुझे लग रहा था कहीं वो तीनों एक ही टीम के ना हुए, अगर वो एक टीम के हुए तो मुझे सीधा मार देंगे, वो सीधा रश मारेंगे मेरे ऊपर, इसलिए मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ वेट कर रहा था। अब वेट करते ही मुझे यहाँ पे एक बंदे के फुर्साने लगते हैं जो कि मेरी तरफ ही आ रहा था, इसलिए अब मुझे बंदे के साउंड भी आने लगे थे और बंदे को मैं देख भी लेता हूँ। वो बंदा मेरे पास तो नहीं, मेरे बगल वाले घर में आ जाता। अब मैं उसे क्या करता हूँ, मुझे पता है वो ऊपर ज़रूर आएगा, इसलिए मैं जानबूझ के उसको दिखाता हूँ कि ताकि वो मुझे मारने की सोचे। और वैसा वो करता भी है, और मुझे मैं इसको ईजिली मार देता हूँ। मैं इसको जानबूझ के अपना बॉडी दिखा रहा था ताकि वो मुझ पर फायर करे, और मैं भी रेडी था उसको मारने के लिए, उसको ईजिली मार देते हैं। अब इसके बाद देखिए गाइस, तीन अलाइव हैं जिसमें से एक मैं हूँ, दो बंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरे 16 किलो हो चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ 16 किलो हो चुके हैं और तीन अलाइव हैं। अब देखिए गाइस मेरे साथ यहाँ क्या होता है। अब मैं यहाँ आता हूँ, सामने एक गाड़ी आ गई थी, आपको भी दिख रहा होगा मिनी मैप में। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर बैठ के नेट निकालता हूँ, और देखिए तीन अलाइव है, 16 किलो। अब ये नेट करा मैंने, ये नेट फेंका, और ये बूम, और इजली चिकन डिनर। अब देखिए गाइस मेरे यहाँ 17 किलो हुए हैं और अलाइव बचा हूँ मैं अकेला। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आया ये दो बंदों का किल मुझे एक ही क्यों आया। तो चलिए गाइस जो भी है, कुछ भी हुआ हो, अपने ने चिकन डिनर ले लिया है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए कंटेंट बना गेम लाता रहूँगा, और एक से बढ़िया एक गेम लाता रहूँगा।